दो टेबल्स को कंबाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान काम है, कई वीडियोस में बता भी चुका हूं। चलिए एक छोटा सा देख लेते हैं डेमो के लिए। ये देखिए यहां पर एक टेबल हमारे पास आ गई है। अब हमें यहां पर जाना है क्योंकि हम टेबल को डिजाइन करना चाहते हैं, तो यहां डिजाइन व्यू पे जाकर के, और चाहे तो आप इसका नाम चेंज कर देते हैं, कर सकते हैं, फिलहाल मैं यही रहने देता हूं। और यहां पर आ जाते हैं, यहां पर ये प्राइमरी की है। आई होप कि आपको फॉरेन की, प्राइमरी की, कंपोजिट की और भी जो कीज होती है लाइक कैंडिडेट की जो होती है, तो इन सब के बारे में आपको पहले से पता होगा, होना ही चाहिए। अब यहां पर मैं लिख देता हूं रोल नंबर, ठीक है, ये प्राइमरी की है, ध्यान दीजिएगा, यानी यूनिक की। और यहां पर ऑटो नंबर रखते हैं, और यहां पे कर देता हूं नेम ऑफ स्टूडेंट, तो ये कर दिया नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर क्या करते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट करने के बाद यहां पे क्लास कर देते हैं, तो ये कर दिया क्लास, ओके, तो ये हो गया कुछ इस तरीके से। अब यहां से व्यू पे क्लिक कर दीजिए और यहां पर ओके कर दीजिए, ये यस कर दीजिए इसको। यहां पे नेम ऑफ स्टूडेंट में नेम ऑफ स्टूडेंट डाल देंगे, तो यहां पे राम लिख दिया हमने। क्लास में हम 12th डाल देते हैं, 12th क्लास की बात हो रही है तो, ठीक है, दूसरे स्टूडेंट का नाम है श्याम मान लीजिए, और यहां पे क्लास 12 डाल दिया हमने, तो ये डाल दिया। अब फिर यहां पर आते हैं, तो यहां पर दुर्गेश डाल देते हैं, तो एक और स्टूडेंट का नाम हो गया दुर्गेश, और यहां पर क्लास 12 डाल देते हैं, तो ये हो गया। अब यहां से क्या करना है, इसको सेव कर लेना है, ठीक है, सेव कर लिया। अब इसको क्लोज कर देते हैं, ध्यान रखिएगा प्राइमरी की रोल नंबर को बनाया। दूसरा जो टेबल बनाने वाले हैं उसमें हम यहां टेबल पे आए और यहां पे आ गए, और इसको टेबल 2 के नाम से रखते हैं। यहां पर हम रजिस्ट्रेशन नंबर को क्या बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये कर दिया हमने। रजिस्ट्रेशन नंबर को क्या करेंगे, प्राइमरी की बना देंगे, और यहां पर शॉर्ट टेक्स्ट रख देते हैं, ये शॉर्ट टेक्स्ट रख दिया, और यहां पर रोल नंबर डाल देते हैं, क्योंकि हमें लिंक भी तो करवाना है, तो इसके लिए एक कॉमन फील्ड तो होनी चाहिए ना, तो ये कॉमन फील्ड हो जाएगी आपकी, ठीक है। और यहां इसको नंबर डेटा टाइप रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम ये चाहते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, तो नेम ऑफ स्टूडेंट कर दिया हमने, ठीक है, ये नेम ऑफ स्टूडेंट कर दिया। हम ये चाहते हैं कि हम जो रिलेशनशिप क्रिएट कराएं वो पहले वाले टेबल से, जो नेम ऑफ स्टूडेंट आया वो पहले वाले टेबल से फेच हो, तो ये लुकअप विजर्ड पे गए और यहां से पहला वाला ऑप्शन, आई वांट द लुकअप फील्ड टू गेट द वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल और क्वेरी, तो क्वेरी तो बनाई नहीं है, टेबल से ही फेच कराना है, तो यहां से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और टेबल 1 हमें सेलेक्ट रखना है, नेक्स्ट पे जाना है और ये नेम ऑफ स्टूडेंट हमें वहीं से फेच कराना है, तो ये हमने कर दिया कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा कि ये जो नाम है ना वो उस वाले टेबल से फेच होगा, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट भी यहां पे आ जाएगा, आप चाहे तो रख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं इसको, ठीक है, इट इज डिपेंड अपॉन यू। यहां पर बात कर लेते हैं सेक्शन की, सेक्शन, सेक्शन उसमें हमने नहीं दिया था, तो सेक्शन यहां पे दे देते हैं और यहां पर सेक्शन शॉर्ट टेक्स्ट रख देते हैं और यहां से इसको ओके करते हैं। तो यहां पर रोल नंबर देख सकते हैं आया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर आया हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या करते हैं 4x1 कर देते हैं, और रोल नंबर तो 1 से ही स्टार्ट हुआ था तो ये 1 कर दिया, और नेम ऑफ स्टूडेंट तो यहीं पर आपको मिल जाएगा, फेच होगा ये दूसरे टेबल से, तो यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको ड्रॉप डाउन नजर आएगी, देखिए राम नाम भी नजर आ रहा है, सेक्शन ए कर देते हैं और फिर यहां पर 1, 1, 1 और 2 कर देते हैं, और यहां पर रोल नंबर 2 कर देते हैं, और यहां पर नाम तो इसी टेबल से फेच होगा, मतलब टेबल 1 से फेच होगा, ठीक है। यहां पर सेक्शन बी कर देते हैं, यहां पर कर देते हैं 1, 1, 3 और यहां पे एक बार और 1 रहेगा, ये हो गया, और यहां पर रोल नंबर 3 कर देते हैं, ठीक है। और यहां पे क्या करते हैं, सेक्शन चेंज कर सकते हैं आप, लेकिन फिलहाल मैं यहां पे अभी स्टूडेंट का नाम और ये सेक्शन सेम रख देता हूं। यहां पे देखिए बी कर दिया मैंने, तो यहां पे ए ही रखेंगे, आप चाहे तो सेक्शन चेंज भी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको देना होगा डिटेल। तो ये हो गया, यहां से इसको सेव कर लिया, सेव कर लिया। अब ये भी टेबल हमारे पास क्रिएट हो गई है जिसमें दो, एक फील्ड तो कॉमन है जो कि पहले से मिलती जुलती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है कि प्राइमरी की जो बनाएंगे आप, जैसे ये जो टेबल है ना, इसमें आपने प्राइमरी की किसको बनाया, ये देखिए मैं दिखाता हूं, रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया, तो रोल नंबर जो दूसरे टेबल में है वो वहां पे प्राइमरी की नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसको सेव करके क्लोज कर दिया। थर्ड टेबल बनाते हैं, तो थर्ड टेबल पे गए, ये टेबल पे गए और यहां से इस पर चले गए और ये तीसरा टेबल अब बनेगा। तो तीसरे टेबल में मैं क्या करता हूं, स्कॉलर आईडी कर देता हूं, ये लिखा स्कॉलर आईडी, ठीक है। अब यहां पे स्कॉलर आईडी आएगा, तो ये जो है यहां पर जाकर के शॉर्ट टेक्स्ट कर देते हैं और यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा रजिस्ट्रेशन आईडी, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आईडी, ठीक है। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन, और फिर लिख देंगे आईडी, और रजिस्ट्रेशन आईडी देने के बाद यहां पर इसको रखेंगे नंबर डेटा टाइप, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो दूसरा वाला फील्ड हमने बनाया था, तो रजिस्ट्रेशन, अच्छा यहां पर शॉर्ट टेक्स्ट रखा था, तो यहां पर शॉर्ट टेक्स्ट ही रखना है,
ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर भी शॉर्ट टेक्स्ट कर देते हैं, और यहां पर जैसे ही आते हैं तो अब यहां पर हम कर देते हैं सेक्शन, सेक्शन दे चुके हैं, सिटी कर देते हैं, सिटी सिटी कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम ड्रॉप डाउन भी चाहे तो बना सकते हैं, तो लुकअप विजार्ड पे जाकर के और यहां से आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट पे जाकर के और यहां पे ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। जैसे सिटी कर दिया देवरिया, ठीक है, सिटी कर दिया गोरखपुर, अलग अलग सिटीज से ये लोग आए हुए हैं स्टूडेंट जो भी है, तो ये कर दिया गोरखपुर, यहाँ पे कर दिया लखनऊ, ठीक है। इसी तरीके से और भी सिटीज का नाम आप दे सकते हैं, फिलहाल तीन ही देते हैं और यहाँ से फिनिश कर देते हैं, तो ये हो जाएगा। और यहाँ से व्यू पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप स्कॉलर आईडी हमें डालनी है, जैसे मान लीजिए स्कॉलर आईडी कर देता हूँ S1001, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन आईडी तो सेम रहेगी जो कि टेबल टू की है, ठीक है। तो ये देखिए ये टेबल टू में 1111 से शुरू हुआ है, तो हमें भी वही देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और टेबल थ्री में आ जाते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं और यहां से आकर के 1111, ठीक है। फिर यहाँ पे 1112, फिर यहाँ पे S1002, ठीक है। और फिर यहां पर आकर के S1003, ये कर दिया हमने। और यहां पर जैसे ही आते हैं तो 11 एक बार और 1 और ये फिर 3 और फिर सिटी का नाम दे देते हैं, जैसे यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ देखिए ये ऑटोमेटिकली आ रहा है, ड्रॉप डाउन में आ रहा है, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां से क्या करता हूं, इसको सेव कर देता हूं। अब समझाने के लिए सारी चीजें मैंने लिए हैं, आपको अगर इससे बेहतर विकल्प मिलता है तो आप उसे भी ले सकते हैं। तो यहां से डेटाबेस टूल्स पे जाएंगे, रिलेशनशिप पे जाएंगे, ठीक है। जैसे रिलेशनशिप पे जाएंगे तो यहाँ पे टेबल्स को ऐड कराना होगा, ठीक है। अब ये जो रिलेशनशिप बनी हुई है इसको हम करेंगे यहां से क्लोज, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे दो टेबल दिख रही हैं, तीसरी टेबल ऐड करेंगे हम, तो ये टेबल थ्री को भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ये ऐड कर लिया टेबल थ्री। अब यहां पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन आईडी दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन आईडी एक ही चीज है, तो यहां पर जाकर के इसको रिलेशनशिप आप क्रिएट करा सकते हैं। ये क्रिएट करा दिया, ये रजिस्ट्रेशन आईडी से रजिस्ट्रेशन आईडी का रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। अब ये रोल नंबर से रोल नंबर का रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा, तो ये देख पाएंगे कि ये रिलेशनशिप बन गई। इसे कहते हैं डेटा को कंबाइन कराना, टेबल को कंबाइन कराना, डेटा को नहीं बल्कि टेबल को कहेंगे, टेबल को कंबाइन कराना। अगर आप कोई और भी टेबल बनाते तो उसमें स्कॉलर आईडी फील्ड जो दिया गया है इसको आप फॉरेन की बना देते और फिर चार टेबल में रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता। तो अब इसके फायदे के बारे में बात करते हैं। तो टेबल वन पे आए, टेबल वन पे जैसे ही आए तो आपको दिखाई पड़ रहा है रोल नंबर ये, राम नाम है इनका और क्लास ट्वेल्थ के हैं। और यहां पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर यहां पर देखिए नाम तो दिखाई पड़ ही रहा है, फिर यहां पर देखिए सेक्शन भी दिखाई पड़ रहा है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखाई पड़ रहा है। फिर यहां पर क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये पता चलता है कि इनकी स्कॉलर आईडी क्या है और फिर ये कहाँ के रहने वाले हैं। आई बात समझ में? इसी तरीके से आपको श्याम का देखना है तो श्याम वाले प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आईडी दिखाई पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई पड़ेगा, उसके बाद स्टूडेंट का नाम तो दिखाई पड़ ही रहा है, उसके बाद सेक्शन दिखाई पड़ेगा। और फिर प्लस के बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि इनका स्कॉलर आईडी भी दिखाई पड़ रहा है और सिटी भी दिखाई पड़ रही है कि किस सिटी से ये बिलोंग करते हैं। तो ये कहता कहलाता है डेटा को कंबाइन करना, ठीक है। इसके बारे में पहले भी डिस्कशन हुआ है, उम्मीद करता हूं इससे बात बन जाएगी और चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, थैंक यू।